एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपये लगेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा कि इतने पास के 200 रुपये आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठाकर ले जाऊँगा। वह व्यक्ति काफ़ी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद उसने पुनः उसी टैक्सी वाले को देखा। अब उस आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मेरे आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली, अब तो आप कितना रुपया ले गए बता दो। टैक्सी वाले ने जवाब दिया, अब तो भैया 400 लगेंगे। उस आदमी ने फिर कहा, पहले 200 और अब 400, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय आप जितनी देर अभी चले हैं वो सब साईं बाबा मंदिर की विपरीत दिशा में चले हैं, साईं मंदिर तो दूसरी तरफ है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह ज़िंदगी के कई मुकाम में हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें कि क्या आप कर रहे हैं, आपके लक्ष्य का हिस्सा है या नहीं, और उसे पूरी शिद्दत और पूरी लगन से करें। हमेशा एक बात याद रखें कि दिशा सही नहीं होने पर मेहनत पूरा रंग नहीं लाती, और दिशा सही होने पर ही मेहनत रंग लाती है। और यदि दिशा ही गलत हो तो आप कितनी भी मेहनत कुछ भी कर लें लाभ नहीं मिल पाएगा। पहले दिशा तय करें और फिर आप कामयाबी की ओर चल पड़ें।